इंग्लिश इज़ नथिंग बट इंग्लिश इज़ एवरीथिंग। दोस्तों, आज ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारी करियर में इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है। आज से कुछ दिनों पहले हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको देखा और उनका कमेंट आया था। वो टॉपिक ऐसा था कि यदि आप 10th और 12th हिंदी मीडियम से किए हैं, तो उसके बाद यदि आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे या फिर कैसे इम्प्रूवमेंट करें। तो उसी टॉपिक को मैं फिर से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी फिर से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का कमेंट आया था, इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि सर उस टॉपिक पे फिर से एक बार वीडियो बनाया जाए। इंग्लिश का इम्पोर्टेंस मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ तो, यदि आप 10th या 12th पास कर चुके हैं और आप 8 से आपका ग्रेजुएशन है, 8 सब्जेक्ट से हिंदी में यदि आपका ग्रेजुएशन है, लेकिन यदि आपका इंग्लिश रिटेन एंड स्पीकिंग अच्छी है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20,000 30,000 प्लस तक की जॉब आप पा सकते हो, वो भी इजीली सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। एमएनसी कंपनी में आपको 30,000 प्लस तक की जॉब मिल सकती है। तो ये है इंग्लिश का इम्पोर्टेंस। और यदि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, बीटेक, एमटेक, बीबीए, बीसीए, इस तरह की चीज़ें, फिर तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है इंग्लिश। दोस्तों, मैं हूं साबरी अंकित आनंद और आप देख रहे हैं स्टार एजुकेशनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अच्छी लगे लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए अच्छे अच्छे करियर से रिलेटेड वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंग्लिश का इम्पोर्टेंस के ऊपर। इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही रहे होंगे, यदि आप बीटेक के किसी कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आप जान लें कि कॉलेज का एंड सेमेस्टर आते आते आपकी कम्युनिकेशन फ्लुएंट होनी चाहिए। अगर नहीं है, यदि आप लास्ट ईयर में हैं या सेकेंड थर्ड ईयर में हैं, तो अभी से जितना इम्पोर्टेंस आप अपनी स्टडी को दे रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन को भी दें। मैं मानता हूँ कि आप कॉलेज में हैं, आपके रीजनल फ्रेंड्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको करियर के उस रेस में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। फिर उस टाइम पे जाके आपको रियलाइज होगा इंटरव्यू के टाइम पे कि ये भी हमारे करियर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो कि मैंने कहीं मिस किया है। फिर उस टाइम आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे। दोस्तों, यदि आप कॉलेज में हैं, तो अभी से कम्युनिकेशन, रिटेन और स्पीकिंग दोनों पर ध्यान दें, क्योंकि चीज़ें जो आपने पढ़ा है, जो आपके पास स्किल है, वो तो आपके पास है, लेकिन उसे आप एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, बताएंगे कैसे इंटरव्यूअर को, वो वे है कम्युनिकेशन का। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के कॉन्फिडेंस से आप जो है ना, बहुत कुछ पॉजिटिव आप पा सकते हैं किसी भी कंपनी में जॉब लेने के लिए और जॉब लेने के बाद सर्वाइव करने के लिए। इसलिए इंग्लिश का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए करियर ग्रोथ में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी कैसे। मैं कुछ बेसिक सा कुछ पॉइंट है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप फॉलो करें। डेफिनेटली 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी हो गई है, 6 मंथ में आप फ्लुएंट हो जाएंगे यदि इसको आप फॉलो करेंगे तो। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होना पड़ेगा, जो कि रिटेन और स्पीकिंग दोनों में ही आपको हेल्प करेगी करेक्ट चीज़ें बोलने के लिए, करेक्ट चीज़ें लिखने के लिए, जो कि होना चाहिए। तो आप अपना ग्रामर को इम्प्रूव करें, उसके लिए आप कुछ मत करें। यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो के बाद आप जो है सर्च करें इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर सर्च करेंगे वहाँ पे आ जाएगा, स्पीकिंग से रिलेटेड या नॉर्मल, उस ग्रामर को कम्प्लीट करें। जो भी टीचर का, जो भी चैनल का, यूट्यूब चैनल का अच्छा लगे वो देखें, मेरे तरफ से कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। जिस टीचर का टीचिंग वे आपको अच्छा लगता है, वही सबसे बेस्ट है, ठीक है। जब वो ग्रामर कंप्लीट हो जाए, फिर आप सर्च करें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो यूट्यूब चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो आप वहाँ से लें और करें। मैं बता दे रहा हूँ कि ये कंप्लीट होते होते आप जो है इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, आज जिस लेवल में है ना, उससे 2 गुने ऊपर हो जाएगी सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से। और आप बोलेंगे कि कोर्स तो मैंने बहुत बार लिया, हुआ नहीं। तो यही
लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। कोर्स लेने से नहीं होगा, उसे इम्प्लीमेंट करने से होगा। और कोर्स इम्प्लीमेंट कब होगा, तो आपको इंग्लिश बात करने वाला कुछ लोग चाहिए। आपके कॉलेज के फ्रेंड्स आपको साथ नहीं दे रहे हैं, कोई सीखने के लिए अग्री है, तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए। लेकिन मतलब क्या होता है, नॉर्मल होते नहीं अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि चार लाइन आप इंग्लिश में बात करेंगे, पाँचवीं लाइन आपका रीजनल लैंग्वेज आ जाएगा। इसलिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आएँ। ड्यूलिंगो एप्लीकेशंस है, ड्यूलिंगो के बाद हेलो एप्लीकेशन है, उसको सर्च करें और उस पर अपना अकाउंट बना के उस पर इंग्लिश बात करना शुरू करें। जिस तरह से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई आपको जज नहीं करेगा आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, उसी तरह से तीसरा पर्सन भी इंग्लिश सीख रहा होता है, जिसे एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप उनके साथ बात करें, अपना फीलिंग शेयर करें। फीलिंग शेयर करें इन द सेंस, आप उनसे उनके जगह के बारे में पूछें। आप मानो कि यूपी से हो, वो एमपी से है, उनके जगह के बारे में जो खास चीज़ें हैं वो पूछें, अपने बारे में बताएं, उनके बारे में पूछें, तो है ना इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा मज़ा आएगा बात करने में दूसरे लोगों से, जैसे आप बात करते हैं। तो क्या हुआ, आपकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूवमेंट हो गई और आपको मज़ा भी आया, बोरिंग भी नहीं लगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको बोलूँगा कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं बहुत ही बोरिंग है वो, ठीक है, क्योंकि हर एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाले जहाँ भी आप ज्वाइन करोगे वो ये चीज़ एडवाइस देंगे, लेकिन वो बोरिंग लगता है लोगों को, खास करके जो न्यू जनरेशन के स्टूडेंट हैं अभी, तो उनके लिए मैं बोलूँगा फिर से आप आए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर सर्च करें इंग्लिश पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट का टॉपिक आपके मन के अकॉर्डिंग आप सर्च करो, बहुत सारे अवेलेबल हैं, और इंडियन पॉडकास्ट आप सुनो, ठीक है, वो बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में बताए होते हैं, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी आएगा और नॉलेज भी आएगा। तो ये चीज़ें करो, और उसके बाद इंग्लिश मूवी, वेब सीरीज़, ये सब तो देख ही सकते हो अपने इंटरेस्ट की, ये बहुत ही ज़्यादा समझो तो बेनिफिशियल होगा आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। इंग्लिश मूवी, वेब सीरीज़, ये सारी चीज़ें देखो और पॉडकास्ट सुनो। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, आप एक्टर एक्ट्रेस का इंटरव्यू देखो पॉडकास्ट, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं वो वाला, क्योंकि आपके फेवरेट पर्सन जब आपके सामने स्पीकिंग करेंगे तो आपका अटेंशन ज़्यादा होगा वहाँ पर, तो आपको वो बोरिंग फील नहीं होगा और अच्छा लगेगा। वहाँ से देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है इन चीज़ों को करना। यदि आप बस शुरू कर दो, आज से आप शुरू कर दो, फिर आप देखो, और उसके बाद जब आप लास्ट ईयर फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देकर के जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, फिर आप देखना कि क्या कॉन्फिडेंस है आपका। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं अपनी तरफ से जो चीज़ें आपको बताना चाहता था बता पाया हूँ। यदि कुछ रह गई हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं फिर से आपके सामने उस टॉपिक के ऊपर, उस चीज़ों के ऊपर वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और जाते जाते एक बात कहूंगा फिर से, लाइक ज़रूर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों।